देखो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है, वीडियो बनाने का सबसे बड़ा पर्पज ये है कि हम आपको एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस दिखाना चाहते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारे यहाँ स्टूडेंट है आपकी सर, और ये इनके पिताजी हैं, और ये मतलब ये ऑर्डिनल फैक्ट्री में जॉब करते हैं, और मतलब आप तो रिटायरमेंट पे हैं, और इनके बेटे हैं, इनको इन्होंने मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सिखाया हुआ है, पहले इलेक्ट्रिकल लाइन में जुड़े हुए थे और ड्राइविंग का भी काम करते हैं, फोर व्हीलर गाड़ी हुई है। तो इन्होंने सलाह दिया कि ऐसे अगर भाग दौड़ से बेहतर है कोई एक ऐसा काम पकड़ो कि मतलब स्थायी हो, कोई स्थायी हो, क्योंकि अगर हर एक लोग पेरेंट्स से यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अगर बाहर कोई गाड़ी चला रहा है, ऐसा काम कर रहा है, ट्रेवलर काम कर रहा है, तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई स्थायी काम मिल जाए। अगर स्थायी काम रहेगा तो बढ़िया है, सर के पास कोई दिक्कत नहीं है, अपनी दुकान है, खुद की दुकान है, और अभी एक महीने दो महीने के बाद आसिफ जी उसी में अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और उसमें सर भी जो मदद है जब फ्री बैठे हुए जो भी हो सकता है मदद करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि आजकल के तौर पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि सर ने टेक्निकली शिक्षा को क्यों चुना हुआ है और क्यों आप लोगों को ये सलाह दिया हुआ है कि मतलब मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स हमको करना चाहिए या हमारे लिए कोर्स बेस्ट है। या आजकल आदमी काम तो बहुत कर रहा है, सर्विस के पीछे भाग रहा है, लेकिन कभी भी वो इस चीज के पीछे नहीं भाग रहा है कि उसको क्या करने से उसको काम मिलेगा। मार्केट में अगर आप बहुत ज्यादा शिक्षित हैं या बहुत ज्यादा आपके अंदर एजुकेशन है तो ये बात हमारी मायने नहीं रखती। कोई एजुकेशन है तो ये हमारी मायने लगती है, हमारा मायने क्या रखता है कि हमारे अंदर हुनर क्या है। क्योंकि किसी भी आदमी को अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई भी काम मिलता है या कोई भी वर्किंग मिलती है तो उसके गट्स के हिसाब से मिलता है, मतलब उसके हुनर के हिसाब से मिलता है। अगर उसके अंदर हुनर है तो उसको कहीं भी काम मिल सकता है, खुद भी काम कर सकता है, और कभी जिंदगी में परेशान नहीं हो सकता है। तो सर आप बताइए थोड़ा सा। हमारे प्यारे बच्चों, हम पहले अपना परिचय दे दें। हमारा नाम है रामजीत राम, हम बनारस सेक्टर में रहते हैं और हम गन फैक्ट्री में फर्निस फैक्ट्री में मैनेजर के स्टूडेंट हैं। जो शुरू शुरू में हमारा लड़का जो है आईटीआई किया है इलेक्ट्रिशियन से, और जब शुरू शुरू में हम यहाँ आए तो एक यहाँ पे और कोचिंग चलती है बगल में, वहाँ चले गए, वहाँ देखा, फिर यहाँ आके देखे। हमने श्री राघवेंद्र जी की स्टाइल को देखा, बातचीत के तरीके को देखा, पढ़ने को देखा, कैसे हम लोग प्रभावित होकर के अपने लड़के का एडमिशन कराया। वो एक तो राघवेंद्र जी की पढ़ाने की स्टाइल बड़ी अच्छी है, और दूसरे भगवान ने टनाटन आवाज़ दिया है कि कहीं भी रहिए यहाँ पढ़ाइए तो दो तीन क्लास के दूर तक सुना देगा। दूसरी बात आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि आजकल जॉब की बड़ी प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम होने के कारण नौकरी की व्यवस्था कठिन है, इसलिए अगर जॉब कहीं भी मिल भी जाए तो एक साइड में अपना काम रखना चाहिए, क्योंकि पेंशन नहीं है। हम लोग आज रिटायर हैं, हम 40,000 रुपये पेंशन पाते हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में जब लड़का कोई नौकरी कर रहा हो, रिटायर हो रहा, तो उसको पेंशन नहीं है। इसलिए अपने साइड में नौकरी करते हुए एक साइड बिजनेस अपना रखना चाहिए, दुकान हो, मोबाइल हो, कपड़े की दुकान हो, या किसी चीज़ की भी दुकान साइड में रखना चाहिए, ताकि जो पेंशन हम पा रहे हैं आप लोग उस दुकान से पेंशन की तरफ आओ। इस तरह की मानसिकता बना करके चलना चाहिए, नहीं तो आगे समय बड़ा कठिन है। दो रुपये आप नौकरी के बाद मांगे किसी मांगे, इसलिए नौकरी मिल भी जाए प्रयास करो वो भी अपना है। इसलिए हम फिर लड़के को इम्तहान दिलवाते हैं कि आईटीआई किया है इलेक्ट्रिशियन से, इम्तहान भी देता है, साइड में अपना कोई किस टाइप का काम रखो, जैसे कि मोबाइल बनाना है, तो इसलिए इसी सोशल मीडिया नहीं सुधार, इस बात को अपने ध्यान में रखिए कि पेंशन नहीं है और पेंशन मिलेगी नहीं, इसलिए साइड में अपना काम जरूर रखना चाहिए और मेहनत से पढ़िए। मैं इस सेशन में देखता हूँ कि राघवेंद्र जी बेचारे बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, आशीष बोलता है कि सर जी जो समझाते हैं बिल्कुल समझ में आ जाता है। और एक चीज़ और है कि जाते समय हम लोगों को पढ़ाते हैं तो ये भी कहते हैं कि जब कभी फंसना कोई चीज़ ना आए तो दोबारा आ जाना हमारे इंस्टीट्यूशन में, हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। देखिए दूर दूर से बच्चे जो आते हैं
उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। देखिए ऐसा मदद कोई का इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता। तो आज हम आए थे यहाँ से, कुछ हमारा काम है कचहरी में, तो हम आशीष से बोले कि हमको भी लेते चले ताकि लेंगे थोड़ा, इसलिए कि अगर बच्चा अपना कहीं पढ़ता हो, आप लोग भी ध्यान दीजिए भविष्य में, अगर आपका बच्चा कहीं पढ़ता हो तो दो बार तीन बार क्लास में जाकर टीचर और अभिभावक का रिलेशन जरूर रखना चाहिए, टीचर से मिलना चाहिए, परफॉर्मेंस लेना चाहिए कि हमारा लड़का पढ़ता है, घूमता है, पढ़ने में कैसा है, कोर्स पूरा करेगा कि नहीं करेगा। तो सबके बच्चे होंगे, इसलिए ध्यान रखिए क्लास में जाके टीचर से जरूर मिलिए, इसलिए हम मिलने भी चले आए पूछने की परफॉर्मेंस कैसा है, पढ़ रहा है कि नहीं, कि घूम रहा है। तो यही हम कहेंगे और क्या कहेंगे। ठीक है, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा सर ने बताया तो मैं आपको बताऊं सर, मैंने भी देखो बहुत सारी दुनियादारी देखी है, बहुत सारी चीज़ों को देखा हुआ है, समझा हुआ है, और मुझे बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, उस सब चीज़ों को मैंने लाइफ में एक अनुभव किया हुआ है। उस अनुभव के साथ साथ मैं ये हर एक बच्चे के लिए मैं साझा करता हूँ, क्योंकि हमने अपने जिंदगी में पढ़ने में सीखने को लेकर के कभी किसी चीज़ को लेकर के लाइफ में बहुत सारी मैंने परेशानियां भी झेली हैं, क्योंकि हम भी कोई ऐसे लंबी छोटी बड़ी तगड़ी फैमिली से नहीं थे, छोटी फैमिली से ही थे, और बहुत सारी जब परेशानियां झेली तो हमको लगा कि आजकल के दौर पर कि किसी और शिक्षा के बेहतर है कि अगर जो आदमी टेक्निकल है, जो आदमी हुनरमंद है, वो कभी भी जिंदगी में बेरोजगार नहीं रहता। हमने देखा हुआ है कि अगर एक तरफ अगर आप 100 लोगों को रख लीजिए और एक तरफ 100 लोगों को रख लीजिए, वो 100 लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सारा घर में पैसा है, या उनके घर में बहुत लोग रोजगार हैं, लेकिन वो लोग सक्सेसफुल नहीं है। वो 100 लोग जरूर सक्सेसफुल हैं जिसके हाथ में हुनर है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है। जैसे सर हैं, सर को इस बात से कोई चिंता नहीं कि सर मेरे पास 40,000 रुपए पेंशन आती है, मैं सेटल हूँ, मैंने इतने साल नौकरी कर लिया, लाखों रुपए मुझे तनख्वाह मिलती थी, मेरा घर परिवार मकान दुकान सब कुछ है, लेकिन हमको सिर्फ चिंता इस बात की है कि हमारा बच्चा नहीं सफल है। जिंदगी में माँ बाप, पेरेंट्स, बड़े भाई, दोस्त, जिंदगी में जब तक नहीं सफल होते कि उनके साथ में बच्चा भी ना सफल हो जाए। अगर मैं कहता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ तो मेरा सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीजन है कि मेरे पिताजी भी सक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो मुझे जिंदगी में लाए, या इतना पढ़ाया लिखाया, जो हमारे ऊपर पैसा खर्चा किया, या हमको इतनी अच्छी तालीम दिलवाई, वो इसीलिए दिलवाई ताकि हम सफल हो जाएं। और हर एक पेरेंट्स का एक ही सपना होता है कि हमारा बच्चा कुछ काम सीख जाए, कुछ काम लायक बन जाए, दो पैसे के लिए तैयार हो सके, और किसी के सामने मेरी दुनिया जान में मेरे जाने के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना है, बस वही उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है। और अगर ऐसा जिंदगी में अगर हो जाता है, वो सहयोग तभी होता है कि सब लोग, हम लोग खुद भी सोचना होता है, क्योंकि हम लोग जो ये काम सीख रहे हैं ये अपने लिए नहीं सीख रहे हैं, ये काम सीखने के साथ साथ एक हमारी जिंदगी की फ्यूचर प्लानिंग भी है। हमारी ये फ्यूचर प्लानिंग है कि हम काम करेंगे, हम सक्सेसफुल होंगे, अपना बिजनेस करेंगे, या किसी के अंदर में भी अगर रोजगार करेंगे, जॉब करेंगे, तो जो भी हमको पैसा मिलेगा तो उससे हमारी कहीं ना कहीं, हम ही नहीं उस पैसों का यूज करते, हमारी जो पीछे फैमिली है, जो 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए भी कहीं ना कहीं कर पाते हैं। जी सर, जब उनके लिए हम कर पाते हैं तभी हम स्टैंड रहते हैं। और आदमी जिंदगी में तभी सफल हो सकता है जब अपनी फैमिली से जुड़ा रहे और अपने फैमिली के लिए करता रहे, क्योंकि फैमिली के लिए कभी आप उम्मीद ये ना रखें कि वो आपके लिए करें, लेकिन आप अपनी तरफ से ये उम्मीद जरूर रखें कि आप उनके लिए हमेशा साथ खड़े रहे और आप उनके लिए कुछ करके दें। जब आप उनके लिए करके देंगे, इसी तरीके से एक बेहतर समाज की स्थापना होती है और हम सब लोग जुड़ करके एक अच्छा काम करते हैं। और जब हम लोग एक अच्छा काम करेंगे तभी एक अच्छा माहौल होगा, एक अच्छा एनवायरमेंट होगा और एक अच्छे तरीके से लोग तैयार होंगे। ठीक है ना? तो हमारा सब लोगों का यही एक मिशन है, एक मेरा जिंदगी का एक ही उद्देश्य है। मैं चाहता हूँ कि अगर दुनिया जान से मैं इतना तो नहीं है कि मैं किसी को बड़ा पैसा दे सकूं या कर सकूं, लेकिन मैं इतना जरूर करना चाहता हूँ कि लोगों के हाथ में हुनर देना चाहता हूँ, उस हुनर के देने की वजह से लोग सक्सेसफुल हों, पैसा कमाए और कभी के सामने हाथ फैलाने की नौबत आए। है ना? एक मूवी राजेश खन्ना की मूवी आई थी, जिस मूवी में राजेश खन्ना सब तरीके से जब बेरोजगार हो जाता है, सब तरीके से टूट जाता है, तो उसमें फिर क्या होता है कि उसके औजार जो होते हैं ना वो फिर उठाता है, फिर काम करता है, तो कल को उसके बच्चे साथ दे देते हैं, लेकिन फिर भी खड़ा हो जाता है। क्यों खड़ा हो जाता है? क्योंकि उसके हाथ में हुनर है।
तो हुनर एक ऐसी चीज होती है वो जिंदगी में कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती। अगर मेरे अंदर जो हुनर है मैं मरते मर जाऊंगा वो मेरे साथ ही रहेगा, लेकिन मेरा पैसा कोई छीन सकता है, मेरा हाथ पैर काट सकता है, मुझे मार सकता है, लेकिन मेरा हुनर नहीं ले सकता। इसीलिए आदमी को हुनरमंद होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर कोई भी एक ऐसा हुनर पाले पड़ जाता है जो आपको जिंदगी में सबसे ऊंचाइयों पे ले जाता है, तो जिंदगी में ऊंचाई में जाने का रास्ता एक यही है कि अगर आपने बहुत अच्छी शिक्षा ले ली है तो आप मजबूत हैं, लेकिन उस मजबूती का सही से यूज तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर कोई एक हुनर है। ये बात समझ लीजिए कि आज गवर्नमेंट जॉब होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, फिर भी आज सर ने बात बोली है, इसलिए सुना कि आज इनका अगर बच्चे का कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाता है अच्छी बात है, फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन क्या है कि दूसरी प्रायोरिटी हमको ये भी लेकर के चलना है कि ये कल को बेकार न रहे, ये बेकार न रहे, क्योंकि इनके सफल होने के पीछे सर का बहुत बड़ा योगदान है ना। पूरी जिंदगी की तपस्या होती है, बाप की पूरी तपस्या होती है कि उसका बच्चा सक्सेसफुल हो जाए, और इसीलिए वो मेहनत करता है। तो हम लोगों को इन सब चीजों के बारे में जो सीखने के लिए आए हैं, एक अच्छा ट्रेनिंग लेकर जाना है, अच्छा सीख करके जाना है और बढ़िया तरीके से काम करना है। और मेरा सभी लोगों के लिए एक प्रॉमिस है, एक वादा है कि कभी भी अगर मेरे कोर्स सिखाने के बाद अगर कभी भविष्य में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, तो आप आकर के बेधड़क आकर के उस चीज को सीख सकते हो, क्योंकि मेरा मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया, देखा हुआ है कि ये टेक्निकली शिक्षा है, ये हमेशा दिन पर दिन बदलती रहती है। तो हम अपने जिंदगी को किसी बच्चे को सिखा करके कभी अपाहिज नहीं रखना चाहते, हम उसको लाइफ टाइम सपोर्ट इसीलिए दिए हैं ताकि कल को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए, आप मेरे पास आइए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो लोग ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, उसके बाद साथ छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा कभी जिंदगी में साथ छोड़ने का कभी ऐसा उचित नहीं रहा है। कभी आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए, मेरे पास आए, उस चीज को दोबारा सीख करके जाए, और कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपके लिए हमेशा तहे दिल से मदद करेंगे। बस ये कि आपको अच्छा सीख करके जाना है, बढ़िया काम करना है। जब आप अपने एरिया में बढ़िया काम करोगे तो आपका तो नाम होगा होगा, कहीं ना कहीं मेरा भी नाम होगा। टीचर की जिंदगी में कभी नाम नहीं होता, वो उसका नाम हमेशा तभी होता है जब उसका बच्चा सक्सेसफुल होता है। जी सर, मोदी जी का जो टीचर थे जिन्होंने पढ़ाया था उनको लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री बन गए तो उनके टीचर के पास भी जाकर खड़े होकर तो पूछते कि तुमने मोदी जी को पढ़ाया था क्या। जी, जी, तो आज उनके लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि अगर प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो उनसे झुक करके पैर छूते हैं। तो जिंदगी में पैसा तो कभी भी कमा सकता है, लेकिन सम्मान कभी नहीं कमा सकता। सम्मान आपकी जुबान है, आपकी मोहब्बत है, और आपके मार्केट में काम करने का तरीका है, उसी हिसाब से आप रहते हो। तो ठीक है सर।